बगल में था नवविवाहित जोड़ा और पीटा जा रहा था पूरे जिले में ढिंढोरा। आइए जानते हैं हम इस नेहा जोशी जो बन चुकी है नेहा सिसोदिया के पूरे प्रकरण के बारे में। पुलिस ने आज नेहा सिसोदिया के पूरे मामले पर से पर्दा उठा दिया है। नेहा सिसोदिया इसलिए कह रहे हैं कि नेहा जोशी ने अब शादी कर ली है और वो अपने परिवार में खुश है। नेहा जोशी एक बहादुर लड़की थी जो नेहा सिसोदिया बनने तक का सफर 25 किलोमीटर पैदल आत्री माता से मनासा तक जाने का तय किया था, क्योंकि वह पिता की प्रताड़ना से तंग थी ऐसा बता रही है। हालांकि ये दृश्य बता रहे हैं कि नेहा जोशी ने शादी कर ली और वह नेहा सिसोदिया बन गई है, लेकिन पुलिस के प्रेस नोट में शादी का जिक्र कहीं भी नहीं आया है। नेहा जोशी के पिता को सिर्फ एक बात की संतुष्टि होगी कि उसकी बेटी आज जिंदा है। ये है हेमंत सिसोदिया नेहा सिसोदिया के पति। हालांकि ये दोनों शादीशुदा हैं और दोनों बालिग भी थे और शादी भी करी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय लगा इनको इस पूरे मामले में सामने आने में। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ी पुलिस को इस पूरे मामले में। 23-24 दिन पिता की भूख हड़ताल, मीडिया में मामला गूंजता रहा, लेकिन मामला 14.5 महीने बाद आया सामने। लगभग 14 से 14.5 महीने से लापता एक बेटी के पिता को शायद आज चैन की नींद आ जाएगी, क्योंकि उसे उसने अपनी बेटी को आंखों से देख लिया। अपने से दूर सही लेकिन जिंदा तो है ऐसा उसको एहसास भी करा दिया आज की इस पूरे घटनाक्रम ने। आज भी ये पिता जनता का और पुलिस का सबका शुक्रिया अदा करता नजर आया। खैर, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगे हो, पिता पे हो चाहे अन्य मामले में पुलिस पर हो, लेकिन आज एक बेटी के पिता को ये एहसास हो गया कि बेटी क्या होती है और क्या बेटी की चिंता होती है और इस चिंता को कैसे आज दूर करा एक पुलिस की SIT की गठित टीम ने, और ये सब चीज़ें का घटनाक्रम का आज खुलासा हुआ। यही नहीं, इस पिता के इस आंदोलनकारी कदम से आज मनासा थाने से कई गुमशुदगी की बेटियां दस्तयाब हुई है, उन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला। देखिए, पुलिस हमेशा क्लूज पे काम करती है। अगर उनके फादर एक्सेप्ट करते कि परिवार में क्या समस्या थी जिस कारण वो घर से निकली है, तो डेफिनेटली हम लोग उस लाइन पे जाते, बट लगातार वो उसी प्रेशर में रहे कि इन लड़कों ने उसके साथ में गलत काम किया, इन्होंने कुछ किया, और उस तरह से लगातार उसी एंगल पे अगर पुलिस को दूसरे एंगल पे भी जाती थी तो वो लगातार घूमते थे, वहीं आते थे। तो अगर आप पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे विवेचना में, आप भी अगर उसे गलत दिशा में प्रेशराइज करेंगे, तो नुकसान अल्टीमेटली तो फैमिली का ही है। पुलिस पंचायत के लिए नीमच से संजय गौड़ की विशेष रिपोर्ट।